हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो अपना वेटिंग टिकट वो खुद से बुकिंग कर लेते हैं या काउंटर से जाके बुकिंग करवा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनको कौन सा वेटिंग टिकट बुकिंग करवाना चाहिए जो कि उनका ट्रेन पकड़ने से, मतलब जिस दिन वो ट्रेन पकड़े उस दिन उनका टिकट कन्फर्म हो जाए या कुछ दिन पहले ही उनका टिकट कन्फर्म हो जाए। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण वो वेटिंग टिकट में ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत मदद मिल सकती है मेरे इस वीडियो से कि आपको एक्चुअली में कौन सा मतलब वेटिंग टिकट बुक कराना चाहिए। वेटिंग टिकट तो बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा GNWL होता है, RSC होता है, PQWL, RLWL, TQWL, बहुत सारा वेटिंग टिकट बुकिंग होता है, एग्जैक्ट सबको पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो से अगर आप देखते हैं तो आप सभी को ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सा टिकट बुक करा लेने से मेरे को फ़ायदा हो सकता है, मेरे को कन्फर्म सीट मिल सकता है। तो जैसे कि सबसे पहले कन्फर्म सीट जब खत्म होता है तो उसके बाद RAC टिकट मिलता है, ठीक है। RAC जैसे कि आपका, इसका मतलब ये होता है कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अगर कन्फर्म सीट कोई बुकिंग किया है, ठीक है, अगर वो कैंसिल कर देता है तो आपका जो RAC टिकट है ये आपका सीट कन्फर्म कर देता है। ऐसे तो आप RAC टिकट अगर बुकिंग करवा लिए तो आप इतना निफिक्र रहे कि आपको रेलवे आधा सीट तो देगी ही देगी ना, कोई सवाल नहीं है। जिस दिन चार्ट प्रिपेयर होगा उस दिन अगर बाय द वे अगर आपको फुल सीट नहीं मिलता है तो आपको आधा सीट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जब RAC खत्म हो जाता है तो GNWL मिलता है वेटिंग लिस्ट, जो कि उसको बोला जाता है जनरल वेटिंग लिस्ट। जनरल वेटिंग लिस्ट कब मिलता है? अगर जिस प्लेटफॉर्म से गाड़ी खुलती है, जिस स्टेशन से खुलती है और जिस स्टेशन तक, मतलब अपना बोर्डिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक जो गाड़ी जाती है उसमें पैसेंजर्स को GNWL वेटिंग लिस्ट मिलता है। तो ये वेटिंग लिस्ट जो है सबसे बेस्ट होता है, ये वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होने का पूरा फुल चांस रहता है। और इसमें कन्फर्म अगर आपको नहीं भी मिलता है तो ये GNWL आपको RAC में कन्वर्ट करके आपको सीट दे देता है, लेकिन देता जरूर है। वो आप एक वन वीक के अंदर बुकिंग करवाइए या एक महीना के अंदर में बुकिंग करवाइए, आपको कन्फर्म होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद आता है RLWL, मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये जो है आपको अगर कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है तो अगर आप बीच के स्टेशन में अगर सफर करना चाहते हैं, जिससे मान के चलिए हावड़ा से नई दिल्ली कोई ट्रेन जा रही है, आप हावड़ा से पटना तक टिकट बुकिंग कर रहे हैं या पटना से न्यू दिल्ली तक टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको RLWL वेटिंग लिस्ट मिलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये आपको धीरे धीरे कंफर्म नहीं होता, जैसे कि GNWL क्या होता है कि वो धीरे धीरे आपका वेटिंग लिस्ट कम होते 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 RAC में आ जाता है, लेकिन RLWL ऐसा नहीं होता है। ट्रेन का चार्ट लगने से पहले इसे दिखाता है कि 40 वेटिंग लिस्ट चल रहा है या 30 वेटिंग लिस्ट चल रहा है या 10 वेटिंग लिस्ट चल रहा है, वो अचानक कंफर्म हो जाता है। क्योंकि जो लोग हावड़ा से पटना या पटना से दिल्ली तक जो लोग टिकट बुकिंग किए रहते हैं, वो 3 महीना के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो वो जो सीट होता है वो RLWL को कन्फर्म मिल जाता है। इसके बाद आता है PQWL, फुल कोटा वेटिंग लिस्ट, ठीक है। ये स्टेशन जो होता है, मतलब फुल कोटा जो होता है, ये जिस स्टेशन से गाड़ी खुलती है, जिस स्टेशन से जाती है, तो ये भी सेम केस है, लेकिन ये होता क्या है, फुल कोटा, जैसे मान के चलिए कोई गाड़ी हावड़ा से खुली है दिल्ली जा रही है और वहाँ दिल्ली से जैसे पहले किसी को कानपुर उतरना पड़ता है, किसी को बनारस उतरना पड़ता है और कोई अपना डेस्टिनेशन जो लास्ट स्टेशन उससे, मतलब 2-4 स्टेशन पहले उतरने वाला होता है, तो उन लोगों को PQWL मिलता है, जो कि इसका कन्फर्म होने का जो चांस होता है ये बहुत कम होता है, ये कन्फर्म होने का बहुत कम श्योरिटी होता है। और PQWL टिकट मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ, ये 2-4 भी वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म नहीं होता PQWL में, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहे हैं। और आप लोगों को भी पता होगा कि PQWL आप लोग अगर बुकिंग करवाते होंगे तो आप लोगों को कंफर्म सीट नहीं मिलता होगा, ये मैं अपना दावा से बता सकता हूँ आप लोगों को। क्योंकि अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले हमारे कोई पैसेंजर्स था जो कि 5 वेटिंग लिस्ट टिकट बुक कराया था हावड़ा से लखनऊ तक का, लेकिन उसका सीट कन्फर्म नहीं हुआ, 5 का 5 ही रह गया, वो 1 महीना पहले बुकिंग कराया था फिर भी, ठीक है। इसके बाद होता है RSWL, मतलब रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ये वेटिंग लिस्ट टिकट जो है आपको, जैसे मान के चलिए कोई ट्रेन बहुत दूरी अगर तय कर रही है तो जैसे कि 40 घंटा 45 घंटा या 30 घंटा 32 घंटा के जो गाड़ी सफर करती है, तो उसमें RSWL कब मिलता है, जैसे मान के चलिए आप कोई छोटा मोटा स्टेशन पर आप उतरने वाले होते हैं, ठीक है, कोई बड़ा स्टेशन से पकड़ के छोटा मोटा स्टेशन पर आप उतरने वाले हैं जहाँ हाल्ट वगैरह होता है, ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे स्टेशन के नाम भी सुनेंगे जो रोड लिखा रहता है, ठीक है, जैसे कि नासिक रोड वो मुंबई में है जो कि वो स्टेशन का नाम है, तो छोटा मोटा हाल्ट में जो गाड़ी रुकती है उसको वहाँ पे जो अगर लोग टिकट बुकिंग करवाते हैं 2 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा के जो लोग सफ़र करते हैं, तो उन लोगों को RSWL वेटिंग टिकट मिलता है, जो कि RSWL भी जो 2-4 घंटा का जो दूरी सफ़र करते हैं उन लोगों को कन्फर्म हो जाता है, ठीक है।
लॉन्ग दूरी में जो गाड़ी लंबा डिस्टेंस मतलब जर्नी अपने तय करती है उस गाड़ी में RSWL एकदम कंफर्म हो जाता है। और कभी कभी आप देखिएगा जो गाड़ी मतलब बहुत दूर जाती है उसमें कभी कभी करंट बुकिंग आता है, दो चार घंटा जो दूरी करने वाले या दो चार घंटा बाद जो स्टेशन आने वाला होता है उसमें करंट बुकिंग भी आता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक वेटिंग बताता है TQWL, जो कि आप सबको पता होगा कि TQWL क्या होता है, तत्काल वेटिंग लिस्ट, ठीक है। जो कि ये आप लोग अगर तत्काल टिकट बुकिंग करते तो आप लोग को पता होगा कि तत्काल टिकट में भी जो वेटिंग लिस्ट मिल जाता है एकदम ना के बराबर होता है, इसमें टिकट कंफर्म होना, तत्काल टिकट वेटिंग कंफर्म होता ही नहीं है, समझिए। तो और तो बाई द वे और कोई वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो भी जाए या कोई चांस भी दिखाता है, लेकिन आप तत्काल टिकट अगर वेटिंग कर लेते हैं तो उसका कन्फर्मेशन चांस जो होता है आप चेक करिए, कोई भी वेबसाइट में चेक करिएगा तो वो दिखाता नहीं है, ठीक है। और इसमें आपका बहुत ना के बराबर आता सीट कंफर्म होने का, ठीक है। तो तत्काल वेटिंग आप लोग भूल कर भी ना बुक करें, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही वेटिंग लिस्ट टिकट के बारे में बताने वाला था जो कि मैं बता दिया हूँ। और बचा बात इसका मन एकदम डिट्टो वीडियो आप लोगों को जैसे GNWL PQWL RNWL का डिट्टो वीडियो भी मैं बनाकर बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ ताकि आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे वेटिंग टिकट कन्फर्म हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।